मजबूत करने के लिए हमने वोट कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी देना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया। आज से तकरीबन 70 साल पहले अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों, उनकी सैक्रिफाइसेस के बदले हमें ये मुल्क पाकिस्तान अता किया। जीने के लिए वतन दिया, रहने के लिए घर दिया, मगर अफसोस आज हमें अपने इस घर की कदर नहीं है। क्या नहीं दिया इस मुल्क ने आपको? क्या इस मुल्क में अजान की आवाज नहीं आती? क्या यहाँ पर गाय की कुर्बानी नहीं होती? क्या हिजाब करने से आपको कोई रोकता है? क्या दाढ़ी शेव करने पर आपको कोई यहाँ पर मजबूर करता है? क्या आप यहाँ महफूज नहीं हैं? और इन सब से बढ़कर क्या आप यहाँ आजाद नहीं हैं? सच तो यह कि इंसान अपने रब का बहुत ही नाशुक्र है। अल्लाह सुभान व तआला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल इंसान अली रब्बिही लकनूद। जब इंसान अल्लाह ताला की नियमतों की कदर नहीं करता तो अल्लाह ताला उन नियमतों को वापस ले लेता है। आज हम कंप्लेंस करते हैं कि इस मुल्क में करप्शन है, जुल्म है, फसाद है। मेरे भाई, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। क्या हम और हमारी सोच कायम नहीं है? क्या हम ईमानदार हैं? क्या हम धोखा नहीं देते? मेरे भाई, आए अपने आप को बदलने से तब्दीली का आगाज करें। मैं भी बदल सकता हूँ। मैं भी बदल सकता हूँ। मैं भी बदल सकता हूँ। और मैं भी बदल सकता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस मुल्क को एक बेहतर मुल्क बनाएं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।